नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube न्यूज चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे MSP यानी मिलिट्री सर्विस पे की। जी हां दोस्तों, जिसे लेकर सरकार और जो हमारे केंद्र कर्मचारी हैं JCU हैं ORS, उनके बीच काफ़ी असमंजस चल रहा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि MSP की क्या वैल्यू है, MSP किस क्यों दिया जाता है। तो परिश्रम को सम्मान देने के लिए है MSP, जो हमारे सेना की मांग थी कि मासिक मिलिट्री सर्विस पे को 5500 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये किया जाए। JCO और सम्मान रैंक वाले नेवी और वायु सेना के अफसरों की MSP बढ़ाए जाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के सामने रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर सरकार ये प्रस्ताव मान लेती है तो उसे सालाना 610 करोड़ रुपए का खर्च उठाना होता। सैन्य कर्मियों की विशिष्ट सेवा परिस्थितियों और परिश्रम को सम्मान देने के लिए MSP दी जाती है। लेकिन दोस्तों, जो सरकार है वो हर मामले में हमारे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, पूर्व सैनिकों सबके साथ ऐसे ही कर रही है। जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको दोहरी दोहरी पेंशन मिल रही है, चार चार पेंशन वो ले रहे हैं। लेकिन जहां पर बात हमारे देश के सैनिकों की, कर्मचारियों की, फौजियों की आती है, वहां पर सरकार बिल्कुल मौन है। उन्हें हर जगह फिर वो खर्चा दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे मंत्रियों, सांसदों को चार चार पेंशन मिल रही है, उन्हें वो खर्चा दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि MSP हमारे जो सैनिक है उनकी सेवा परिस्थितियों और परिश्रम को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में जिनमें वो कार्यरत हैं, ऐसी परिस्थितियों में अगर मंत्री कार्यरत होते तो उन्हें कितनी पेंशन दी जाती, क्योंकि वो सिर्फ राजनीति करके भी 3 से 4 पेंशन्स ले रहे हैं। लेकिन हमारे जो सैनिक हैं उन्हें MSP नहीं मिल रहा है, पूर्व सैनिक हैं उन्हें ORP नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार के खिलाफ हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि ये हमारे जो फौजी हैं, जो जिनकी वजह से हम देश में सुरक्षित हैं, हम चैन की नींद सोते हैं उनके जागने से, तो उनके हक के लिए हम आम आदमियों को भी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। और दोस्तों, अभी जो हमारे सैनिक हैं, JCU हैं, ORS हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि उन्हें इक्वल MSP दिया जाए, और उसे लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। अभी जो आगे हीरिंग होनी है वो 17 नवंबर 2021 को हीरिंग होनी है, और पिछली हीरिंग कुछ कारणवश नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कोर्ट नंबर 4 में लिस्टेड है कि हीरिंग होगी। और उम्मीद है कि हमारे जो JCORs हैं उनकी जो उचित मांग है उस पर उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी, जैसे ही आगे कोई अपडेट आएगी इस पर हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है कि सांसदों को लगातार इतनी पेंशन दी जाती है तो फिर हमारे जो JCORs हैं उन्हें उनका हक क्यों नहीं मिल रहा, उन्हें इक्वल MSP क्यों नहीं मिल रही। आप इसके समर्थन में, आवाज़ उठाने के समर्थन में हैं या नहीं, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, एकजुटता के साथ समर्थन ज़रूर दें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर छोटी बड़ी न्यूज़ आपके साथ शेयर करें, और जो हमारे फौजियों के साथ कुछ भी अन्याय होता है उसके खिलाफ सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ ज़रूर उठाएँ। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।